नमस्कार, मैं अजय दीप वाधवन फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ। मुझे याद है कि मेरे पापा, जब मैं छोटा था तो कभी कभी मेरे पापा किसी उर्दू शायर की कुछ पंक्तियाँ बोलते थे। पूरी पंक्तियाँ तो मुझे याद नहीं है, पर उसकी एक लाइन मुझे जरूर याद है कि वो शायर कहता था कि मुझे वो बच्चे बिल्कुल है ना पसंद, मुझे वो बच्चे बिल्कुल है ना पसंद जो सितारों पे नहीं लगाते हैं कमर। कहने का मतलब ये है कि मेरे फादर कहते थे कि उर्दू शायर अपनी शायरी में कह रहे हैं कि मुझे वो बच्चे या वो यंगस्टर्स पसंद नहीं है जो सितारों पर, आसमान में जो सितारे होते हैं उस पर कमंद नहीं लगाते हैं। कमंद कहते हैं हुकिंग को। हम जब देखते हैं जब मिस्त्री वगैरह, या हमें भी किसी सीढ़ी नहीं है उपलब्ध, हमें ऊपर चढ़ना है, या अपने मिस्त्रियों को देखा हो जो बिल्डिंग पर सफाई के लिए या मरम्मत के लिए ऊपर चढ़ते हैं तो हुकिंग करते हैं, कमंद लगाते हैं। अगर हम एक तल्ले पर कमंद लगाएंगे तो एक तल्ले पर चढ़ पाएंगे, और अगर हम सात तल्ले पर कमंद लगाएंगे तो सात तल्ले पर चढ़ पाएंगे। यानी जितना ऊंचा हम कमंद लगाएंगे हम उतनी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ पाएंगे, या बिल्डिंग को उतना ऊंचा चढ़ पाएंगे। तो शायर यही कहना चाहता है कि बच्चे जो आसमान छूना चाहते हैं, जो बड़ा देखना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, उनको कमंद है, अपने जीवन की जो हुकिंग है वो भी ऊंची लगानी होगी। यानी उनको सपना भी बड़ा देखना होगा। अगर हम सपना छोटा देखेंगे तो कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। तो मेरे पिताजी का कथन मुझे आज भी याद है। अब मुझे लगता है कि इस जीवन में जब मैं जिस उम्र में आया हूँ, मुझे लगता है कि मेरे फादर बिल्कुल सही बोला था। हम लोग ने आजकल बच्चों को सपनों का महत्व नहीं समझाया है। हमें समझाना चाहिए युवा वर्ग को। ऐसा है कि सपने सच होते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। कई लोग बोलते हैं कि सपने तो सोते हुए हम देखते हैं। जी नहीं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, वो हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात बेचैन करते हैं। तो हमेशा वैसे सपने देखने चाहिए जो बड़े हैं। जब तक हम बड़े सपने नहीं देखेंगे हमको उनको पाने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब कोशिश नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। अगर हम छोटे सपने देखेंगे तो हमें मालूम है कि ये तुरंत हासिल हो जाएंगे, तो हम बड़ा काम नहीं करेंगे। तो बड़े काम करने के लिए बड़ा सपना देखना जरूरी है। कभी किसी चाय वाले ने बचपन में सोचा था कि वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, या कभी किसी सड़क पर कचरा उठाने में सोचा था कि वो भारत का एक बहुत बड़ा या विश्व का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, या कभी गल्फ कंट्री के पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप अटेंडेंट के रूप में काम करने वाला धीरू भाई अंबानी ने सोचा था कि वो भारत ही नहीं विश्व की एक बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस का मालिक बनेगा। कहने का मतलब ये है कि सपने सच होते हैं। हमें लगता है कि हमने सपने बहुत छोटे देखे हैं या सपने सच नहीं होते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो आज मैं अपने यंगस्टर्स को जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उन सबको एक बात बोलूंगा कि हमेशा आप बड़ा सपना देखें, और सपने जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि आप सपने नहीं देख रहे हैं, नहीं देखेंगे फिर भी सफल हो जाएंगे, तो मुझे लगता है ये गलत है। सपना जो हमारा लक्ष्य होता है वो हमें बताता है कि हमें जीवन में कहाँ जाना है। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तभी उसे हासिल करते हैं। कई बार हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, हम बोलते हैं हमारा जो कद है वो छोटा है, कई बार हम बोलते हैं कि हमारे जो शरीर की फिटनेस है वो अच्छी नहीं है, कभी हम बोलते हैं मेरा जो रंग है शरीर का वो अच्छा नहीं है, या भगवान ने मुझे सुंदर नहीं बनाया है, तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया के जो बेस्ट बैट्समैन हैं, डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वो नाटे थे। हम ये भूल जाते हैं कि ब्लैक निग्रो मोहम्मद अली, जिनका पहला नाम कैशियस कले था, या उसेन बोल्ट, ये दुनिया के महानतम मुक्केबाज या एथलीट बने। दुनिया के महानतम अगर हम एथलीट की संज्ञा दें तो जेसी ओवंस या कार्ल लेविस को दिया जाता है, वो भी निग्रो थे अमेरिका के। कहने का मतलब ये है, और कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि हमारा कद बहुत लंबा है या हमारी आवाज अच्छी नहीं है, ये बातें अमिताभ बच्चन को ही बोली जाती थी, पर वो भारत के महानतम सुपरस्टार बने। तो कहने का मतलब है कि हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें। हम और भगवान ने जो हमें दिया है बहुत अच्छा दिया है, हम उस पर गर्व करें, और हमेशा जो जीवन में हम पाना चाहते हैं उसको उसके सपने देखें। जो हम जीवन में पाना चाहते हैं उसके सपने देखेंगे, वो लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और तब धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ना चालू करेंगे। अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे, अगर मैं सपना देखूंगा कि मुझे रिक्शा चालक बनना है, या मैं सपना देखूंगा कि मुझे किसी के घर में नौकर बनना है, तो मैं वही बनूंगा। पर मैं अगर सपना देखूंगा कि मुझे किसी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर काम करना है, मुझे बहुत बड़ा समाज सेवक बनना है, या मुझे बहुत बड़ी कंपनी में काम करना है, या एक बहुत सफल बिजनेसमैन बनना है, तो मैं उसी दिशा में कार्य करूंगा और बनूंगा। तो बच्चे, आप सब जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे आज यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, और जब बड़े सपने देखेंगे तो आप देखेंगे उसको पाने की आप कोशिश करेंगे, और जब कोशिश करेंगे तो हम आप सफल होंगे। धन्यवाद।